तो भाई ये इंडिया का सबसे ज्यादा हाइप स्कूटर लॉन्च हो चुका है एंड गाइस इसको आई गेस सबसे ज्यादा हाइप दिया गया था लॉन्चिंग के टाइम पे। एंड भाई क्यों ना हो, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू व्हीलर्स की इस कंपनी ने खड़ी करी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओला की। ओला ने अपना स्कूटर लॉन्च कर दिया है, 15 अगस्त को 2 बजे उन्होंने ऑफिशियल लॉन्च कर दिया था इस स्कूटर का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी स्कूटर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बात करेंगे कितनी रेंज देती है, बात करेंगे उसके फीचर्स की एंड प्राइसिंग की, तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ही करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सीधा हम लोग बात करेंगे स्कूटर के ऊपर। सो गाइस, इसके लॉन्च से पहले बहुत ज्यादा हाइप मिली थी स्कूटर को, क्योंकि गाइस टू व्हीलर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओला ने हमारे कंट्री यानी इंडिया में सेटअप करा है। गाइस इतने मास प्रोडक्शन की वजह से हम लोग ये कंसिडर कर सकते थे कि जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ही कम होगी स्कूटर की एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और भाई लॉन्च से पहले जो हमें बहुत सारे वादे करे गए थे स्कूटर को लेके, जो करे थे कंपनी के सीईओ मिस्टर भावेश अग्रवाल ने, आई गेस जितने भी वादे उन्होंने करे थे सारे के सारे उन्होंने पूरे करे हैं। एंड मेनली जो सबसे बड़ा वादा उन्होंने करा था वो ये था कि जो हमारा स्कूटर होगा वो अंडर 1 लाख रुपीज होगा। इलेक्ट्रिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही हमें देखने को मिलता है, जो परचेसिंग कॉस्ट होती है उनकी बहुत हाई होती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट उनमें बिल्कुल जीरो के बराबर ही होती है। बट भावेश जी ने ये कहा था कि अंडर 1 लाख इसको हम रखेंगे। खैर प्राइसिंग की बात हम लोग करेंगे बाद में, पहले बता देता हूँ आपको इसके मॉडल्स कौन कौन से आ रहे हैं, कितने कलर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। और भाई ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो मेरी कार तक में नहीं है, और टॉप वेरिएंट कार्स वाले फीचर इसके अंदर हमें दिए गए हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। गाइस लुक्स में हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ, बाकी इमेजेस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। लुक्स में गाइस बहुत ही क्यूट लग रहा है ये स्कूटर। गाइस जो फ्रंट से लुक है इसका वो यूं लग रहा है जैसे कोई मिनी रोबोट खड़ा कर दिया हमारे आगे। स्पेशली गाइस जो हेडलाइट है वो बहुत ही प्यारी लग रही है एंड बिल्कुल ही नया एक कंसेप्ट देखने को मिल रहा है हमें। गाइस जो इसकी बॉडी शेप है वो कुछ कुछ सिमिलर दिख रही है हमें वेस्पा की तरह। गाइस इसमें ऑलमोस्ट हमें 10 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो कलर स्कीम की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और मोटर के बारे में, क्योंकि गाइस किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही दो चीजें मेन होती है, बैटरी और मोटर। इसी से ही हमारा स्कूटर या तो थम्स अप होगा या फिर थम्स डाउन होगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मोटर की। अब तक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में गाइस मोस्ट पावरफुल मोटर हमें देखने को मिल रही है इस ओला की स्कूटर में। गाइस इसकी मोटर जो है वो 8.5 किलोवाट पीक पे है। और भाई जिन लोगों को नंबर्स वगैरह का समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8.5 किलोवाट बहुत ही एक बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ये मोटर हमारी एक टू व्हीलर के लिए। गाइस बैटरी की बात करें तो लार्जेस्ट बैटरी बैकअप इसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैटरी जो है वो भी गाइस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में हमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली मिल रही है। गाइस इसकी कैपेसिटी है 3.9 किलोवाट आर की। गाइस जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बैटरी का क्यों बता रहा हूं मैं, तो बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी से हमारी रेंज डिसाइड होगी, मोटर से गाइस डिसाइड होगा कि हमारी कितनी स्पीड आती है, और बैटरी से हमारी रेंज डिसाइड होगी मतलब एक चार्ज में हमारा जो स्कूटर है वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। और भाई इसी के साथ साथ हमें एक 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर भी मिलेगा हमारे स्कूटर के साथ, जिससे कि भाई हम लोग अपने घर पे ही स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। एंड अब चार्जिंग की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी ने क्लेम करा है कि 0 to 100 चार्ज करने में पूरे स्कूटर को 6 आवर्स लगेंगे अगर आप इस पोर्टेबल चार्जर से अपने घर पे चार्ज करते हैं। वहीं गाइस ओला अपने पावर ग्रिड या फिर आप लोग कह सकते हैं सुपर चार्जर्स भी लगाएगा, तो उसमें अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो 50% तक हमारी चार्ज होती है पर सिर्फ गाइस 18 मिनट में। मतलब आप लोग समझ सकते हो 18 मिनट में हमारी 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी हमारे स्कूटर की, एंड जितनी भी हमारी रेंज होगी उसका हाफ डिस्टेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में चार्ज करके कवर कर पाएंगे। तो टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग होगी अगर आप लोग पावर ग्रिड वाले से भी कराते हो, पावर ग्रिड वाले से नहीं भी करा रहे घर पे भी कर रहे हो, 6 घंटे तो हमारा स्कूटर घर पे ही खड़ा रहेगा, रात में लगा के छोड़ दिया सुबह तक फुल चार्ज मिलेगा, सुबह उठाओ अपना स्कूटर और सीधा जाओ ऑफिस या खेलने वगैरह जहाँ पे भी जाना है। तो पेट्रोल का तो भाई अब कंसेप्ट भूल ही जाओ, और पेट्रोल बहुत महंगा भी हो रहा है, बिजली सस्ती है एंड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करो, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्टर्स इसके बारे में देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये सब बातें तो ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आती है कि भाई 6 घंटे चार्ज करवा लो तुम चाहे 10 घंटे चार्ज करा लो, हमें ये बताओ कि कितनी डिस्टेंस को ये कवर कर पाएगी। पता चला 6 घंटे चार्जिंग में लगा दी भाई 15-20 किलोमीटर निकाले तो क्या फायदा उस चीज का। पर भाई सुनो मेरी बात, अभी तक की हाईएस्ट जो रेंज गई है वो एसर 450X की गई है, एंड उसकी जो रेंज गई है वो 116 किलोमीटर गई है, मतलब फुल बैटरी चार्ज करो और 116 किलोमीटर तक चलाओ स्कूटर को। पर ओला तो ओला है भाई, ओला ने सब कुछ पलट दिया इंडिया में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का कंसेप्ट ही बदल दिया। ओला कंपनी ने क्लेम करा है कि उनकी स्कूटर को आप एक बार चार्ज करो 100% बैटरी हुई
आपको 181 किलोमीटर, हाँ भाई 181 किलोमीटर तक फिर से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो रेंज है अब हाईएस्ट इसी की हो चुकी है। एसर 450X को बहुत पीछे छोड़ चुका है ओला। और भाई आप सभी लोग समझदार हो, अब आप लोग कैलकुलेशन करो कि 181 किलोमीटर में पेट्रोल कितना लगेगा आपका और 6 घंटे इस स्कूटर को चार्ज करने में कितनी यूनिट फूकेंगी आपकी बिजली की। और भाई एक बात हम लोगों ने हमेशा देखी है और आई गेस हम लोगों ने सबको टीज भी करा होगा, पहले कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जाता था तो हम लोग भी बोलते थे देख देख क्या लेके जा रहा है इसको और कितना स्लो चल रहा है, इसके लिए तो ना हमें लाइसेंस की जरूरत ना हेलमेट की जरूरत, बच्चे चलाते हैं इसको तो कोई स्पीड नहीं है इसमें, पैदल चलने वाला इससे आगे निकल जाएगा। पर भाई जब से इलेक्ट्रिक थोड़ा ग्रो हुआ है तब से स्पीड्स इनकी इंक्रीज होने लगी हैं। एंड जो अभी तक टॉप स्पीड था, आई रिपीट था, वो था हमारा एसर 450X और भाई उसकी टॉप स्पीड अराउंड आ जाती थी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की, 96-97 तक जाती थी, तो 100 ही मान लो आप लोग 100 तक जाती थी, पर वो था। अब ओला है और ओला ने जो क्लेम करा है वो बन चुका है इस पूरे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल और ओला ने इसकी स्पीड क्लेम करी है 115 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो आप लोग, ये गाड़ी 120 किलोमीटर पे जाके बोलने लगती है पी 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 की स्पीड कम करो और वहां हमारा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पहुंचेगा 115 की स्पीड में। तो भाई ये बातें थी जो हमारी मेन हम लोग देखने जाते हैं, अगर हम गाड़ी वाड़ी देखने जाते हैं, बाइक देखने जाते हैं पेट्रोल और डीजल, तो उसमें हम लोग माइलेज देखते हैं। तो इसमें मैंने आप लोग को रेंज बता दी है, बैटरी बता दी है गाइस, मोटर बता दिया मैंने आप लोगों को, चार्जिंग बता दी है कि कितने देर में चार्ज होगी। तो अब बात आती है भाई की फीचर्स, तो बताओ इसके फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। तो फीचर्स सुन के तो भाई साहब खोपड़ी हिल जाएगी पूरी। सबसे बढ़िया फीचर क्रूज कंट्रोल इसमें हमें मिल रहा है और जिन भाई बहनों को ये क्रूज कंट्रोल के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ, टॉप वेरिएंट की कार्स में ये फीचर हमें मिलता है जिसकी वजह से हम लोग अपनी गाड़ी की स्पीड एक स्पीड लिमिट पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम लोग एक्सेलरेट ना भी करें तो भी हमारा जो व्हीकल है वो चलता रहेगा। तो इसमें क्रूज कंट्रोल भी हमें मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 50 की स्पीड पे स्कूटी सेट कर दी, उसके बाद आप चाहे एक्सेलरेट करो चाहे ना करो वो 50 की स्पीड पे ही आपका व्हीकल चलता रहेगा। नेक्स्ट जो फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा वो लगा इसका बूट स्पेस, 50 लीटर का हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। अब 50 लीटर कैसे मैं आपको समझाऊं, जो दो बड़े वाले हमारे बाइक वाले हेलमेट्स होते हैं उनको आप एक यहाँ ऐसे रख पाओगे, मतलब एक्टिवा से अगर हम लोग कंपेयर करें क्योंकि मेरे पास एक्टिवा है, तो जो स्कूटी वाला हेलमेट होता है जो सिर्फ इतना इतना प्लास्टिक का होता है यहाँ पे रबर होती है वो सिर्फ उसमें फिट होता है, और अगर पूरा बड़े वाला अगर हम हेलमेट रखते हैं तो डिग्गी को बंद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट गाइस इसमें हम दो हेलमेट साइमल्टेनियसली रख पाएंगे और अगर बढ़िया तरीके से समझाऊं तो 10 किलो वाला जो आशीर्वाद का पैक आता है पूरा सीधे का सीधा आएगा इस डिग्गी में आ जाएगा आपकी। और अगर इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो इमेजेस आप लोग देख सकते हैं साइड में उससे समझो। एंड गाइस इसमें हमें सामने मिल जाएगा 7 इंचेस का टच डिस्प्ले। अब आप लोग सोचोगे भाई ये क्या नया करा इन लोगों ने, एथर वाली में भी तो था यार ये चीज। पर भाई एथर वाली में भी था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इसके अंदर हमें मिल जाता है ऑक्टा कोर चिपसेट विद 3GB रैम, मतलब समझ रहे हो गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वो उखाड़ के स्कूटर के फ्रंट में लगा दिया इन लोगों ने। और भाई इसमें हमें मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम, तो अगर आप लोग लद्दाख वगैरह का ट्रिप मार रहे हो इस पे तो इनबिल्ट हमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्पीकर्स भी हैं, बस अपने गाने चलाओ माउंटेन्स पे और मैगी खाते खाते फोटो खिंचाओ और पोस्ट करो अपने इंस्टा पे। एंड इंस्टा से याद आया मेरे को फॉलो कर लेना, यहाँ पे आ रहा होगा मेरा इंस्टा हैंडल। और भाई इसमें हमें मिल जाते हैं डिफरेंट राइडिंग मोड्स, भाई टच डिस्प्ले है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा कुछ डिजिटल होगा और भाई कंपनी वालों को ये अच्छे से पता है कि हैलोजन का जमाना चला गया है तो कंपनी ने इस बात का भी ध्यान रखा है। एंड एक सिंगल पार्किंग बल्ब तक हैलोजन नहीं है, सारे जितनी भी लाइटिंग है सब की सब LED है जो इसकी लुक्स को और ज्यादा एनहांस कर रही है। नेक्स्ट जो फीचर है गाइस वो भी बहुत अच्छा है, वो है वॉइस कमांड। जैसे ही आप लोग इस स्कूटर के थोड़ी सी पास जाएंगे ये अनलॉक हो जाएगा और आपका नाम लेगा, और जैसे ही आप थोड़ी सी दूर चले जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो भाई ये सारी बातें हो गई हैं हमारी, जितने फीचर्स थे कलर वेरिएंट्स पावर रेंज सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मेन मुद्दा आता है भाई पैसा कितना लगेगा। आई एम श्योर कि आप में से आधे से ज्यादा लोग यूं हो रहे होंगे कि भाई जल्दी पैसे बता, अभी के अभी पापा के पास जाता हूँ बोलता हूँ यार ये वाला स्कूटर लो मेरे लिए भी अच्छा है, दीदी भी चला लेंगे आप भी चला लेना, सबके साथ फिट हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे घर के। तो गाइस कंपनी ने क्लेम करा था कि 1 लाख से नीचे करेंगे
बट प्राइसिंग से पहले भाई आप लोग ये सुन लो कि इसमें हमें दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक हमें मिलेगा S1 और एक हमें मिलेगा S1 Pro। ऐसा नहीं लग रहा किसी फोन के वेरिएंट्स के नाम हो कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Ultra Max, ये वो। ऐसे लग रहा है कि S1 और S1 Pro, हो सकता है Ultra Pro, Pro Max भी आ जाए इसमें। यार मजाक की बात है बाद में। तो जो हमारा S1 वेरिएंट है उसकी प्राइस है 1 लाख से नीचे, जो कंपनी ने क्लेम करी थी, और इन्होंने प्राइस रखी है 99,000। 1,000 रुपए उन्होंने आपके पास रहने दिए, आप लोग अपना बंगला बंगला बनवा लेना इससे। और गाइस जो हमारा S1 Pro वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है 1.3 लाख की, यानी 1,30,000 की। और भाई यहाँ पे एक और फैक्टर आता है हमारा, वो है स्टेट सब्सिडी का। जैसे आप लोगों को पता है कि LPG पे, सोलर पैनल पे, इन सब चीजों पे स्टेट वाइज सब्सिडी हमें मिलती है, तो इस स्कूटर पे भी हमें सब्सिडी मिल रही है। एंड दिल्ली के जो रेट्स हैं वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। तो दिल्ली का जो रेट है वो S1 वाले मॉडल के लिए हमें 85,000 का देखने को मिलता है, और जो S1 Pro वाला है वो हमें देखने को मिलेगा 1.1 लाख, यानी कि 1,10,000 का। एंड गाइस अब जो आप लोग देख रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारी सब्सिडी रेट्स हैं। तो अब आधे से ज्यादा भाइयों ने हमारी गाड़ी की चाबी उठा ली होगी, पापा को साइड में बिठा लिया होगा और बोल रहे होंगे कि चलो यार लेके आते स्कूटर को तो अपने घर पे, मगर रुक जाओ यार अभी, क्योंकि अभी ये जो स्कूटर है हमारा ये मार्केट में नहीं आ रहा है। ऑफिशियल लॉन्च हमारा हो चुका है 15 अगस्त को, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मिड अक्टूबर तक आ जानी चाहिए मार्केट में। बाकी अगर आप लोगों को अभी के अभी एक स्कूटर लेना है तो अभी तक का तो फास्टेस्ट स्कूटर हमारा है एथर 450X। जैसे ही हमारे ये S1 और S1 Pro लॉन्च हो जाते हैं तो हमारा फास्टेस्ट जो स्कूटर होगा इलेक्ट्रिक में वो आ जाएगा यही दोनों, एथर 450X है, वो पीछे छूट जाएगा, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। पर भाई हो सकता है कि एथर वाले भी कुछ अपना अपग्रेड कर दे और वो भी नया मॉडल लॉन्च कर दे, तो ये तो कंपटीशन चलता ही रहेगा। मैं भी वीडियो लाता रहूंगा इन सब चीजों के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना कि आप लोगों को इस स्कूटर का बेस्ट पार्ट क्या लगा है। मेरी मैं बता देता हूँ यहीं पर ही, मेरे को तो सबसे बढ़िया लगा है कि पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा तो पैसे खूब सारे बचेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक्टिवा को सेल कर दूं और ये ले लूं। खैर गाइस वो तो बात की बात है, हो सकता है गाइस किसी और कंपनी का इससे भी अच्छा मॉडल आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रेव हाई बट ड्राइव सेफ।